मुझे कोई रिकॉर्डिंग का बताता ही नहीं है ना कि रिकॉर्डिंग है वो ऑफ हुई है उसके अंदर। फिर जाहिर बात है आप फौरन बताया करें, अभी सिर्फ उस्मान ने बताया और उस्मान वही वो है जो नेट की प्रॉब्लम सबसे कम आए सब क्लास में ना, लेकिन अच्छी बात ये है इन्होंने फिर भी पॉइंट आउट कर लिया। ओ तो बाकी सब लोग तो हैं अलहमदुलिल्लाह, लेकिन उस्मान जो आ रहे हैं जा रहे हैं क्योंकि नेट तो कोई इशू लग रहा है मुझे, लेकिन उन्होंने आते के साथ ही जो है ना पॉइंट आउट कर लिया। तो ये चीज़ बता दिया करें आप, मैं सब ये तो नहीं है। और उसमें ये है कि जैसे मैं भूली है अब क्या होगा, अब जो है वो आपके पास ये वाला चीज़ मैं रिपीट कर दूंगा ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए, ठीक है। तो बात ये है और क्वेश्चन भी आए एक दो के ये बता दें। देखें बात ये हमें जो है वो डिवीजन करनी है, डिवीजन करनी है कहाँ तक करनी है, वहाँ तक करनी है जहाँ तक जो है वो आपके पास नंबर जो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो ना हो जाए। अब ये क्या करते हैं, 2 से हम मल्टीप्लाई करने लगते हैं, 262 से 124 रिमाइंडर 1 बचा, 231 से 62 कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर, सही है। 215 से 30 रिमाइंडर 1 बज गया, सही है। 217 से 14 रिमाइंडर 1 बज गया, 236 रिमाइंडर 1 बज गया, और 212 रिमाइंडर 1 बज गया, ठीक है। तो ये लास्ट में 2 में से -1 करेंगे तो ये रिमाइंडर आपके पास आ गया, यानी कि लास्ट वाला जो है 2 आपने मल्टीप्लाई करा 0 से, 2 0 से 0 और 1 में से -0 हो गया तो ये वाला बच गया। अब इस बेस के ऊपर आपने क्या करा, आपने यहाँ से जो वो शुरू करा राइट करना और इस फॉर्मेट में, सही है, बॉटम टू टॉप आप राइट करते रहे 1 1 1 1 1 1। लेकिन क्या हम जो है वो अपने वाले मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा जी पहले तो आप ये बताएं, एग्जाम अभी मैंने रिपीट करा, कुछ समझ में आया? गुड। अच्छा ये देखो जी, अब हम जो है वो क्या कर रहे हैं, बल्कि इसी पे कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। इसको जो है मैं रिमूव कर दूँ। अब बात ये थी कि मैंने बोला था जो सिस्टम है शॉर्टकट ही चलो तो ज़्यादा बेहतर है, तो अगर मैंने शॉर्टकट से चलना है, लेट सपोज शॉर्टकट से मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो जो मैंने जो बल्कि यहाँ पे नहीं चल रहा, यहीं पे चल रहा, यहीं पे चल रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना राइट दिया, खैर इसको हटाना पड़ेगा हड़िया, और फिर जो है हम ऊपर जाते हैं। तो ये हमारे पास जैसा ये बना हुआ है एक्चुअली, यही मैं उधर जो है वो बनाना चाह रहा था। अब अगर इसके ऊपर जो वो नंबर लेके आना है 125 है हमारे पास, सही है ना। तो 125 के अंदर आप देखो, 125 के अंदर अब ज़रा कैलकुलेशन आपने ना ज़रा कैलकुलेटर वगैरह जो है रेडी कर लेना, और इसके अंदर जो है वो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 125 चाहिए ना। तो अब 125 के लिए क्या करते हैं, हमें पता है 128 तो हो नहीं सकता। अब ये 8 बिट, 8 की 8 बिट हमने ऑन रखी है, यानी वही शॉर्टकट मेथड देख रहे हैं। तो आप जो है वो आपने क्या करा, इधर सीधे सीधे जो वो बंद कर दिया। अच्छा 125 में से 64 माइनस करो, 125 में से 64 माइनस करो कितना बज रहा है, क्योंकि 125 में से अब 64 तो हमें नहीं चाहिए ना, 61 बज रहा है ना। तो 61 के लिए अब जो है ना वो एक आपने ये भी बंद कर दिया, ठीक है ना। तो अब जब आपने एक और बंद कर दिया 61, तो 61 में से जो है 32 माइनस करो कितना बच रहा है, ये आपके पास बच रहा है 30, सही है ना, 29। अच्छा चलो सही है 60, ठीक है 29 बच रहा है ना। 29 में से जो है 16 और माइनस कर दो, 29 में 13 बच रहा है ना, 13। अब ये 4 बिट बची है ना, तो 4 बिट्स में से हम क्या करेंगे, 13 जो है वो राइट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ये बचेगा, देखो 13 ऐसे बनेगा 1 12 और ये 1, तो यहाँ पे जो है क्या क्या जो है वो बची है, यहाँ पे 0 बची है। हालांकि इतना बड़ा वो था नंबर, लेकिन कितनी इजीली हमने सॉल्व कर दिया, बस माइनस करते रहे 125 में से 64 करा माइनस, पता चला 61 बच रहा है, उसमें 32 माइनस करा तो वो जो है आपके पास, ठीक है, वो नंबर जो है वो आपके पास 29 से चाहिए था, सही है। फिर 29 में से आपने देखा हमारे पास 13 बचा, 13 इन चारों से तो हम 13 बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो गई है, यानी 12 और 1 13। अब हमारे पास कितना आ रहा है देखना, 1 2 3 4 5 5 जो है वो 1 आ रहे हैं, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। तो इस आंसर को ले लेके, ठीक है, अब जो है वो हम नीचे जाते हैं, सही है, कितने 5 जो है वो 1 आ रहे थे, फिर आपके पास 1 0 आ रहा था। अब देखो आंसर, ये
पांच जो है वो वन आ रहे हैं, फिर एक जीरो आ रहा है, फिर वन आ रहा है, ऐसे भी काउंट कर लो। पांच जो है वो आपके पास आ रहे हैं, वन फिर जीरो फिर वन। तो ये मेथड अभी है, अब ये वाला मेथड जो है मतलब मुझे तो ये ज़रा ज़्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि उससे ना आप डिवीजन वगैरह के अंदर कोई गलती ना कर रहे हैं। वैसे उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, एग्जाम में दोनों लाओ है सही, एग्जाम में आपको दोनों लाओ है, लेकिन एग्जाम में ये सारी स्टेप्स हैं। अब पता क्या होता है, होता ये है कि बच्चे एक उन्होंने करा 125 है, तो उसका आंसर ये है डायरेक्ट लिख दिया, ये कोई स्टेप नहीं दिखाया, सही है। हाँ हाँ वो आप लोगों की मर्जी है, जिसको डिवीजन इजी लग रही है डिवीजन कर दो, तो ये कुछ भी नहीं दिखाया। जब ये कुछ नहीं दिखाया तो नंबर ही नहीं बनते, मतलब अगर वो 3 मार्क्स का है और 3 मार्क्स के अंदर आपने 125 यानी ये लिख दिया कि 125 10 का जो है वो ये बनेगा, सही है, तो इसका मतलब है कि आपके नंबर जो है वो अगर 3 मार्क्स का है तो 0.5 मिलना चाहिए, क्योंकि आपने जो है वो डायरेक्ट लिख दिया ना, असल मार्क्स इस चीज के होते हैं। अच्छा अब मसला ये कि आप तो कंप्यूटर के ऊपर अगर ऑनलाइन देते तो कंप्यूटर पे हो गए, तो कंप्यूटर के ऊपर आप कैसे करोगे? कंप्यूटर के ऊपर करने का ये तरीका है कि अगर आपकी प्रैक्टिस हो और रजिस्टर के ऊपर की हो, आप जल्दी से रजिस्टर के ऊपर करें, उसकी स्नैप लें, और स्नैप लेने के बाद ना उसको वर्ड की फाइल में पेस्ट कर दें, तो उससे जो है आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि इतनी इतनी चीज़ें टाइप कर रहे हो, ये मतलब ये ड्राइंग कर रही है कर रहे हो, उससे आप बच जाए। ये बात जिसकी समझ में आ रही है वो कोड लिख के बताए। अच्छा अब जो है वो इसकी हम बात करते हैं, सही है, तो इसके अंदर ये नंबर है, अब ये वही वाला रूल है, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे क्या करेंगे, इससे हम जो है वो डिवाइड कर देंगे। अब ये अगेन डिपेंड करता है आपके पास कि आपकी जो प्रैक्टिस कैसी है, जाहिर बात है आप जो है वो कैलकुलेटर यूज़ करें या आप मतलब ये हैंड रिटन भी करें तो आपको उसमें भी कैलकुलेटर होगा, लेकिन ये वाली प्रैक्टिस के 1 2 3 4 ये जो है 154 टाइम जाएगा, तो इसलिए थोड़ी सी आपको जो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये अपने आप लॉजिकल देखते हैं कि पहले 123 8 की किस रेंज में आ रहा है, 15 की रेंज में आ रहा है, तो ऑनेस्टली पता कोई लॉजिक भी आप यूज कर रहे हैं, लेकिन ये आपका डिवीजन होने के बाद जो 152 से जो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 को, तो ये आंसर तो आ रहा है, लेकिन इसका जो टोटल आंसर आ रहा है वो 1236 आ रहा है, सही है, 1236 आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। तो आपने जो है वो ये चीज़ें रखनी है, क्योंकि देखें अब हम ऑक्टल में चले हैं, सही है, तो ऑक्टल सिस्टम के अंदर जो रिमाइंडर। अच्छा एक और बात भी जहन में रखनी है, वो ये रखनी है, ऑक्टल 0 से 7 तक होता है ना, तो ये रिमाइंडर जितने भी आ रहे होंगे वो आपके पास बिटवीन 0 टू 7 ही आ रहे होंगे, और ये वाले जो है ये रिमाइंडर कितना आपके पास आएगा, 1 एंड 0 आया, तो ये वाली बात आपने जो है वो जहन। फिर क्या आया था, 154, उसको हमने क्या करा, 19 से मल्टीप्लाई करा, तो अगेन जो वैल्यू आ रही है उसके अंदर रिमाइंडर 2 बच रहा है आपके पास, ठीक है। फिर 8 से 2 से करा, आपको पता है 8 2 16 के बाद 3 बचता है, तो फिर जो है वो आपके पास ये बचा। फिर आपने 8 को 0 से करा ना, तो उसके बाद आपके पास ये लास्ट वाला जो है वो नंबर बच गया, सही है, यानी 2 में से -, मैंने 0 करा तो 2 बच गया, यही आपके पास फाइनल रिमाइंडर है। अब अगर आप देखें तो अगेन जो है हम टॉप टू डाउन ही चाहेंगे ना, सही है, बॉटम टू टॉप, ये देखिए अभी हम जो है वो बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो अभी सारे 2 3 2 2, तो 2 3 2 2, अब आप इसी ऑर्डर के अंदर 2 3 2 2 जो है ना वो राइट लेफ्ट बने, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास जो है वो आंसर हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस तो मैं वो करूँगा, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस आपको असाइनमेंट दूंगा ना, अभी आपको असाइनमेंट मिलने वाला है, तो उसमें कि अगर किसी को समझ में नहीं आया ये रिकॉर्डिंग देख ले और उसको असाइनमेंट को कंप्लीट करे, और असाइनमेंट देखें, असाइनमेंट जो है आपको मिलेगा एलएमएस के ऊपर ना, जैसे ये है एलएमएस के ऊपर है ना, ये हमारा कौन सा वीक है, लेट्स सपोज ये हमारा जो है वो वीक 3 है, वीक 3 के अंदर या इस वीक या इस वीक के एंड के ऊपर आपको इधर एक लिखा हुआ होगा असाइनमेंट, आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक वर्ड की फाइल पे आप चले जाएंगे, वो वर्ल्ड की फाइल डाउनलोड होने लगेगी, आप उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो वो ये इसी टाइप के जो क्वेश्चन गिवेन होगा कि कन्वर्ट करें सारे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो नहीं, जी जी सी आर के ऊपर मैं नहीं रखता हूँ, जी सी आर देखें, अब आपके पास एक एलएमएस है ना,
LMS का तो मतलब यही है कि जो कुछ ऑफिशियल हो। अच्छा हाँ, एक और बात बोलूँ, वो ये मैं बता दूँ कि इसके अंदर जो है ना, जब आपके पास आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो जो टाइम होगा उसके बाद 1 2 3 दिन जो भी होगा उधर मैं बता दूंगा या ग्रुप पे बता दूंगा, उसके बाद आपने वो ना अपलोड करना होगा। तो अपलोड जो है वो आप कहाँ पे करेंगे, आप GCR के ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि जो है हमारे पास GCR जो है वो गूगल वालों का है, LMS PF किट वालों का है। यहाँ पे जो आप करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो है वो सबमिशन भी आ जाएगा, यानी ऑन रिकॉर्ड चला जाएगा। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि जितना भी मुमकिन हो, बल्कि मैं तो कहते ही हूँ कि आप जो कुछ भी सबमिट करो, क्विज सबमिट करो या क्विज, क्योंकि हमारे पास क्विज भी जो है वो मतलब ऑनलाइन ही होते थे, और ऑनलाइन में मैं असाइनमेंट की तरह दे दिया करता था क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो उसके बाद बच्चों को टाइम दिया करता था या नहीं, लेकिन उसमें ज़रा कम टाइम देता था क्विज के अंदर ना, कि क्विज उसी दिन अपलोड करना है। और जब आप जाओगे तो क्विज के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा हो, तो आपने अपलोड जैसे ही कर आप अपलोड कर दोगे उस टाइम के अंदर रहते थे, तो वो क्या होगा, सब जितने भी बच्चे करेंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी मेरे पास और मैं उनको डाउनलोड कर लूँगा, सही? और जो उस टाइम पीरियड के अंदर जिसने अपलोड नहीं करा, तो जाहिर बात है उसके फिर नंबर नहीं आएंगे। और आपने टाइम का ख्याल रखना है, क्योंकि इसके अंदर जब हम टाइम सेट कर देते हैं ना, तो उसके बाद ये मतलब डिसेबल हो जाता है ऑप्शन, ये अपलोड का डिसेबल हो जाता है। तो अगर आपके पास 3 दिन का टाइम है तो आप कोशिश करें कि 2 दिन के अंदर जो है उसको एंड कर लें, क्योंकि रात को 12 बजे तक पता चला 11:55 पे आपको नजर आ रहा है और 12:01 पर गायब है वो, तो इसलिए जो है वो आप इधर करेंगे। अच्छा, GCR के ऊपर ये वाली भी बात है कि उसके अंदर आप जो है ना ऐसा लॉक सिस्टम नहीं लगा सकते। नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैंने ये बता तो दिया है अभी कौन सा था, ये रिकॉर्डिंग के लिए यूट्यूब के ऊपर होगी। सही, यूट्यूब में जाके जो आपको बता चुका हूँ 3 4 दफा। सही है, ये जैसे हमारे पास ये किसके है, क्लास 1 की रिकॉर्डिंग है पार्ट 2, तो ये सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें ये भी पता चलता है कौन सा बच्चा जो है वो मतलब है, मौजूद है वहाँ पे, आया, किसने रिकॉर्डिंग देखी, वहाँ पे रिकॉर्ड मिल रहा होता है ना, और वो उसको मैं जो है वो देखता हूँ। सही है, कुछ बच्चे कमेंट्स कर देते हैं, उससे भी पता चल रहा होता है कि वो आए थे, उन्होंने जो है ना वर्किंग करी या कोई क्वेश्चन ही कर दिया। सही है, अब इसके अंदर जो है वो गूगल क्लासरूम के अंदर जो है वो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती कि उसने कितनी देर देखा नहीं देखा, खैर इसमें भी पता तो नहीं चलता कितनी देर, लेकिन एटलीस्ट बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होती हैं। तो इसलिए मैं अब जो है वो इधर ही अपलोड करना मैंने शुरू कर दिया। ठीक है, वहाँ तो कोई मतलब कोई मौजूदगी या प्रेजेंट होने का कोई सवाल नहीं होता कि GCR के ऊपर कोई आपको मिल जाए कि कितने बच्चे देखने आए थे, क्या कर रहा था, वहाँ तो सिर्फ रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, वो जो है रिकॉर्डिंग आप भी देखने जाके और बच्चे के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बचता है डेसिमल सोर्स, डेसिमल टारगेट, हेक्साडेसिमल डेसिमल। तो सोर्स और जैसे, हाँ ये असाइनमेंट का चलें कोई बात नहीं, लेकिन ये असाइनमेंट का ख्याल कीजिएगा, ये वाकई में ये जो लेट होना, ये होना, वो होना, मतलब ये उसके अंदर अभी आप लोग नए हैं सिस्टम से, देखें अब क्या होता है। अगर आपके पास जो है वो मेरे ख्याल में अगर ऑनलाइन ऑफलाइन भी होगी, मतलब फिजिकली भी क्लासेज हुई हैं, तो अभी सिस्टम तो LMS ही का चलेगा, क्योंकि अभी इनका बीच में थोड़े दिनों के लिए बीच में भी ऑन करा था।